फोन भी चलाओ। चाल बताओ। समाज के लोग जो कि हम सभी हिंदू समाज का एक अंग है, ये जो दुष्टतापूर्ण और बदले की कार्रवाई की गई है अनिल नरवाल के खिलाफ, हम ये चाहते हैं कि उसकी निष्पक्ष जांच हो और ये किसी इंटेंशन के कारण, अगर जो व्यक्ति हमेशा सुख दुख में काम आया हो और जब भी समाज में मनमुटाव हुआ उसको एक रूप करने का कार्य किया हो, अगर उस वक्त अगर इस पर इंटेंशन करके और इस तरह से कार्रवाई की जाती है तो समाज का मनोबल तोड़ने का कार्य किया है। इसकी निष्पक्षतापूर्वक जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें अपराधी तत्व है, जो समाज मांग करता आया है प्रशासन से बरसों से कि भाई इस तरह से अतिक्रमण करना, रास्ते रोकना, अनावश्यक जुलूस निकाल करके हथियार ले रहना, अवैध घुसपैठी करना, जगह जगह मकान बनाना, कौन कहाँ से आ रहा है उसकी निष्पक्ष जांच नहीं होना, एक एक व्यक्ति के पास 18-18 वोटर आईडी कार्ड होना, अपने आप में हमारी सुरक्षा व्यवस्था को सीधी सीधा चुनौती है ये कि एक व्यक्ति के पास 18 वोटर आईडी कार्ड कहाँ से आते हैं, क्या करता है वो। तो मेरा एक कुल मिला के निवेदन है कि सर्व समाज के प्रतिनिधि के नाते हम सभी आए हैं और प्रशासन से हम ये निवेदन करना चाहते हैं इसकी पूर्ण निष्पक्ष जांच की जाए और जो जो दोषी है वास्तव में उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और दृष्टतापूर्ण जो धारा लगाई गई है उसे हटाया जाए। नहीं हटाते तो समाज अपने स्तर पर कार्रवाई करेगा, समाज जो शांतिपूर्ण आंदोलन कर सकता है वो उसको आंदोलन पर करेगा, अपने बात शासन प्रशासन के लोगों को बताने का कठोरता से प्रयास करेगा कि जो सच्चाई हो उनसे वो अवगत हो। मेरा नाम गौरव सिंह भाटी है, मैं रावणा राजपूत समाज की तरफ से। लगभग 15 वर्षों से ये जो विषय थे कि वहाँ अवैध घुसपैठ, अवैध पार्किंग, अवैध अतिक्रमण, इनके विषय में वहाँ एक तथाकथित समाज, जिसको वो समाज के कुछ लोग वो इन सब कामों को करते हैं, उन सब कामों का विरोध वहाँ अनिल नरवाल करता है और उसको एक राजनीतिक टारगेट बनाया गया है। जबकि जिस दिन की ये घटना है उस दिन प्रशासन से स्पष्ट बात हुई थी, प्रशासन से पूरा कोऑपरेट करने के लिए दिया था, प्रशासन को पूरी ये समस्याएं बताई थी, प्रशासन डिप्टी महोदय ने 7 दिन में उन समस्याओं का निस्तारण करने के लिए आश्वासन दिया था और अगले दिन न जाने किस राजनीतिक दबाव के उसके ऊपर ये कार्यवाही हुई। जबकि वो उस दिन पुलिस प्रशासन के सामने बात कर रहा था, हमारे साथ प्रतिनिधि, समाज के प्रतिनिधि कहते वो भी हमारे साथ में था उस समय, और द्वेषतापूर्ण उसके टारगेट करके उसके ऊपर राजकार्य में बाधा का मुकदमा, सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का मुकदमा ये दर्ज कराए। आज सर्व समाज ने कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को ज्ञापन दिया है कि इस पूरे प्रकरण की जो मूल जड़ है, अवैध अतिक्रमण, अवैध घुसपैठ, इन सब के ऊपर पुलिस प्रशासन कठोर कार्यवाही करे प्रशासन, और अनिल नरवाल के खिलाफ जो ये झूठे मुकदमे एक साजिश के तहत जो लगाए गए हैं उनको हटाए। ये सर्व समाज ने आज कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को इस बात का ज्ञापन दिया है। संजय तिवारी, ब्राह्मण समाज से।